देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज 69वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। पूरे देश में गणतंत्र दिवस के मौके पर जगह जगह तिरंगा फहराया गया और गणतंत्र दिवस को और मजबूत करने का संकल्प लिया गया। वहीं प्रदेश में महामहिम राज्यपाल डॉक्टर के पॉल ने देहरादून के परेड ग्राउंड में तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। उत्तराखंड के जवानों, एनसीसी के कैडेट्स, आईटीबीपी के जवानों समेत कई स्कूली बच्चों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। सलामी मंच से गुजरते हुए सहायक उप निरीक्षक गोपाल सिंह के जहाँ उत्तराखंड के विभिन्न सांस्कृतिक और सभ्यताओं की झलक भी देखने को मिली। वहीं राज्यपाल ने इस मौके पर देश के संविधान निर्माताओं को याद करते हुए कहा है कि हमें अपने मौलिक अधिकार और कर्तव्यों को याद रखना चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रम में मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर राज्यपाल ने उन्हें पढ़ाने पर जोर दिया। गणतंत्र दिवस पर प्रदेश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हमारा संविधान आज ही के दिन 1950 में अस्तित्व में आया था और संविधान में एक प्रोविजन है मौलिक कर्तव्यों का, आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज का विस्तार से प्रोविजन किया गया है। और मैं समझता हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर जितना एम्फेसिस होना चाहिए शायद उतना हम नहीं दे रहे, और इसके ऊपर विशेष रूप से सभी स्कूलों में, कॉलेजेस में बच्चों को, सबको हमारी संविधान में क्या क्या ड्यूटीज लिखी हैं संविधान के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, ये बहुत आवश्यक है कि इसके बारे में विस्तार से उनको बताया जाए। इसी के साथ एक दफा फिर गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। देख रहे हैं प्राइम स्टोरी।